और आवाम, क्या हाल चाल। मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हैं अहमद मोटिवेट्स। यहाँ पर मैं वीकली मोटिवेशन व्लॉग्स अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे इंसान बन सकें। तो आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक है बिलीव यू कैन डू इट, यकीन करें कि आप कर सकते हैं। देखें, दुनिया में कितने लोग हैं जो कितनी चीज़ें करना चाहते थे, अच्छी चीज़ें, मतलब इन्वेंशंस करना चाहते थे, ज़िंदगी में एक अपना बेहतर वर्जन बनना चाहते थे। बहुत लोग थे वो क्या क्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक नो का लफ्ज़, एक नो, एक नहीं सुनने के बाद ये सब छोड़ दिया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन ये सुनना कि बात यह है कि जब आपका नज़रिया आपके घर वालों से, आपके दोस्तों से नहीं मिलेगा ना, तो इन मोस्ट केसेस ज़्यादातर यही होता है कि आपके दोस्त, आपके घर वाले आपको उन चीज़ों से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अनफॉर्चुनेट रियलिटी बता रहा हूँ, कड़वा सच बता रहा हूँ। वही बोलेंगे सबसे पहले कि तू नहीं कर सकता, तो इन चीज़ों के लिए नहीं बना, वट एवर यू आर ट्राइंग टू यू नो परस्यू इज़ नॉट नॉट गुड फॉर यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। यही वक्त होता है जब आपको मेहनत सबसे ज़्यादा करनी है, यही वक्त है। क्योंकि देखें, बहुत लोग आएंगे रास्ते में, बिलीव मी। मैंने मोटिवेशन स्पीकिंग शुरू की थी, टू दिस डे आई गेट टू हेयर अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, यू नो। लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है ज़िंदगी में, आपने भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ। जो भी आपका गोल है, अच्छा गोल है, बोलना है मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। रास्ते में बहुत लोग पत्थर मारेंगे, रास्ते में बहुत लोग बुरी बातें करेंगे, बहुत हार्ट ब्रेक्स मिलेंगे, बहुत धोखे मिलेंगे, बिट्रेयल्स, एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कभी भी ये मत सोचना कि आपका ये जो सफ़र होगा ये आसान होगा, इट विल नॉट बी ईजी एट ऑल। लेकिन जो मैं एक बात आपको बता सकता हूँ, द थिंग विच आई कैन टेल यू श्योरली इज़ दैट इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। जब आप अपना कोई गोल अचीव कर लेंगे ना, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपको नज़र आएगा कितने लोग पीछे रह गए, ठीक है, कितने लोगों का आपके सामने असली चेहरे आ जाएंगे नज़र, कितने लोग आपसे अच्छे थे, बुरे थे, कब आपको सपोर्ट किया, कब आपको यू नो बिट्रे किया, एंड ऑल दीज थिंग्स आपके सामने सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इसलिए हमेशा खुद से कहते रहना है कि जो भी मेरा गोल है मैंने उसको अचीव करके रहना है। घर वाले नहीं सपोर्ट करते, दोस्त नहीं सपोर्ट करते, कोई नहीं सपोर्ट करता, नो वन सपोर्ट्स यू, यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ। खुद को सपोर्ट करते रहना आपको हमेशा, बेशक कुछ भी हो जाए, क्योंकि यू नो जर्नी टू सक्सेस, जर्नी टू अचीविंग सम गोल इज़ नॉट ईजी, बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बिल्कुल भी आसान नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं और गोल अचीव करना बहुत आसान होगा, तो ये अपने दिमाग से ख्यालात निकाल दें। जब आप कोई चीज़ की तरफ जाने शुरू करते हैं ना, आप पे बहुत हार्ट उठते हैं, बहुत बातें सुनने को मिलती हैं आपको, लेकिन आपको इन सब बातों को सुनकर फिर भी आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपको आपका नज़रिया नज़र आ रहा, लोगों को आपका नज़रिया नहीं नज़र आ रहा। जब आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे ना, अपना गोल्स अचीव कर लेंगे, तब यही लोग पीछे से मुड़ के आएंगे, बोलेंगे मैं जानता था कि तू कर सकता है। दैट विल बी द मोमेंट यू विल बी प्राउड ऑफ, तब आपको फ़ख्र होगा, खुशी होगी खुद के ऊपर कि हाँ मैंने गिव अप नहीं किया, हाँ मैं चलता रहा इस रास्ते में। इसलिए हमेशा खुद के ऊपर यकीन रखें, जब आपके ऊपर कोई यकीन रखे या ना रखे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी सबके साथ शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।